हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है और आज हम बात करेंगे एक्सेल के एवरेज इफ फॉर्मूला के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि एवरेज इफ होता क्या है। ये मैंने एक डेटा बनाया है। अब इसमें एक पेट्रोल पंप की एक दिन की सेल है। अब उसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पेट्रोल और ऑक्टेन ये लीटर्स में बिका हुआ है। अब सिंस आई वर्क इन अ पेट्रोल पंप और आई ओन अ पेट्रोल पंप, राइट, सो एवरेज पेट्रोल सेल और एवरेज ऑक्टेन सेल अगर मुझे निकालनी हो तो एक तो है मैन्युअली मैं करूं और उसके बाद X1 + X2 + X3 डिवाइडेड बाय n करूं तो वो पेट्रोल की सेल, इसी तरह ऑक्टेन की सेल निकालूं, राइट। बट द सेकेंड ऑप्शन इज टू यूज द एवरेज ऑफ फॉर्मूला। अब वो कैसे यूज होता है, पहले उसके सिंटेक्स के बारे में जान लेते हैं। उसका सिंटेक्स, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो जिसमें हमने बात की थी काउंट इफ और सम इफ के बारे में, सो एवरेज इफ ऑलमोस्ट सम इफ की तरह ही है। तो इसका सिंटेक्स जो है एवरेज इफ ब्रैकेट शुरू रेंज ये है हमारी रेंज, राइट, क्रिटेरिया क्या ढूंढना है हमें, पेट्रोल या ऑक्टेन, और उसके बाद एवरेज की रेंज। तो पहले रेंज हम डिफाइन करेंगे कि कहां से कहां तक क्या देखना है डिफाइन करेंगे, और फिर किस चीज का एवरेज निकालना है उसकी रेंज डिफाइन करेंगे। सो चलिए फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। पेट्रोल की सेल्स के बारे में जानते हैं। पहले इज इक्वल टू एवरेज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एवरेज इफ ब्रैकेट शुरू, हमें रेंज पता करनी है तो रेंज ये हो गई। क्या क्रिटेरिया है, क्रिटेरिया हमारा सेल नंबर K5 में है जो कि पेट्रोल है, और हमें किसका एवरेज निकालना है, इसका, ब्रैकेट बंद। तो हमारा जो पेट्रोल है एक दिन में एवरेज 29.4 लीटर्स बिका। इसी तरह अगर ऑक्टेन का लगाना है, AVERAG, एवरेज इफ रेंज है मेरी, ये क्रिटेरिया मेरा दे रखा है K6 में जो कि ऑक्टेन है, और मेरे को एवरेज निकालनी है पेट्रोल की, ब्रैकेट बंद। तो 18.18 लीटर मेरा ऑक्टेन है और ये मेरा पेट्रोल है। सो दिस इज हाउ वी गो अहेड एंड कैलकुलेट द एवरेज। अब इसका प्रैक्टिकल यूज तो एक आप देख लिया आपने, राइट। दूसरा, यहां मेरे पास मेरी टीम में 10 एजेंट हैं और हर कोई एक दिन में 100 कॉल लेता है, तो 1000 कॉल होगी। अब वो 10 एज, ये जो 100 कॉल्स हैं इनका एवरेज निकालना है पर एजेंट, तो उसका भी एवरेज है जो हमने क्रिटेरिया रखा था, यहाँ पे नेम्स आ जाएंगे और यहाँ पे जो टाइम आएगा जिसको हम AHT बोलते हैं वो आ जाएगा, राइट। सो हमें एवरेज हैंडल टाइम मिल जाएगा हर एजेंट का। इसी तरह प्रोसेसेस का निकाल सकते हैं हम लोग एवरेज हैंडलिंग टाइम। सो दिस इज द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ दिस फॉर्मूला। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and please comment below if you have any questions. Thank you so much for watching. Have a great day.